ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे डायरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के बारे में। डायरी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट आता है, जैसा हो गया आपका मिल्क आता है, मिल्क प्रोडक्ट्स आता है, चीज़ आता है, देन बटर हो गया, बटर मिल्क, रसगुल्ला, रसमलाई, खोआ, छेना एंड चीज़ बटर, श्रीखंड हो गया, योगर्ट हो गया, दही हो गया, कर्ड हो गया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट होता है, और मिल्क बेस्ड आइसक्रीम हो गया। तो काफ़ी सारे डायरी प्रोडक्ट्स अभी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है और इंडिया का डायरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। 2022-23 में 2022-23 में इंडिया 284 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर चुका है, अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी में 2200 करोड़। तो 2200 करोड़ का इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है 2022-23 में, और इंडिया का डायरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। इंडिया अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है जो कि ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है। 230 मिलियन टन ऑफ मिल्क इंडिया उत्पादन करता है पर ईयर, और पहले न्यूजीलैंड था, न्यूजीलैंड जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता था, लेकिन अभी न्यूजीलैंड सेकेंड में आ गया। इंडिया अभी वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है। तो मिल्क प्रोडक्शन जहाँ होता है वहीं पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट या डायरी प्रोडक्ट्स को आप बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हो और लोकली भी सेल कर सकते हो। इंडिया में कौन से राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट बता दिया इन्हीं राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है और मिल्क भी एक्सपोर्ट होने जा रहा है। तो गुजरात का जो अमूल ब्रांड है, अमूल कंपनी है, अमूल ब्रांड का काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करता है। अमूल ब्रांड 50 कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, और फर्स्ट टाइम अमूल ब्रांड अमेरिका में फ्रेश मिल्क सेल करने जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम अमेरिका में काफ़ी सारे स्टेट में, और अमूल ब्रांड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, अमूल हो गया, चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, काफ़ी सारे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा अमेरिका में काफ़ी सारे शहर में सेल होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम अमूल अभी फ्रेश मिल्क अमेरिका में सेल कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो बोल रहा है आपको डायरी प्रोडक्ट्स का जो कंज्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है इंडियन डायरी प्रोडक्ट्स का, और बाय करने वाला इमीडिएट बाय करने वाला कंट्री है कौन से कंट्री है बताऊँगा आपको। तो अभी डायरी प्रोडक्ट का काफ़ी सारे नए कंपनी भी इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, और डायरी प्रोडक्ट का डिमांड अफ्रीकन कंट्री में दिखा गया है, मिडिल ईस्ट कंट्री में दिखा गया है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री, यूरोप में जो 27 कंट्रीज़ है, ईस्टर्न यूरोप में भी काफ़ी कंट्रीज़ है, यूके है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट के हिसाब से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है और अच्छा क्वालिटी का डायरी प्रोडक्ट भी मिलता है। लेकिन फिर भी इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन डायरी प्रोडक्ट्स यूके में भी सेल होता है, जर्मनी में भी सेल होता है, नेदरलैंड्स में भी सेल होता है, स्वीडन में भी सेल होता है, डेनमार्क में सेल होता है। तो अभी जो इंडिया का इमीडिएट जो कंट्रीज है, इंडिया का नेबरिंग कंट्री है भूटान हो गया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड मालदीव्स, ये जो कंट्रीज बता दिया, ये कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का डायरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑल्सो श्रीलंका भी इंपोर्ट करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंडिया का डायरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव से 5 कंट्री को टारगेट करिए, और प्रोडक्ट क्या रहेगा, मिल्क पाउडर रहेगा, मिल्क पाउडर फ्रेश मिल्क रहेगा, एंड आपका बटर मिल्क रहेगा, जिसको हम हिंदी में छाछ बोलते हैं। तो ये बटर मिल्क का जो डिमांड है, काफ़ी डिमांड है इन द मिडिल ईस्ट कंट्री, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत। यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है गर्म है, काफ़ी 6 महीना गर्म है, 6 महीना ठंडी है। तो यहाँ का लोग, यहाँ का जो रेसिडेंसी में जो लोग रहते हैं, एक्सपर्ट्स हैं और लोकल लोग हैं, ये बटर मिल्क ज़्यादा पीते हैं। तो ठीक है, अगर आप कभी दुबई गए होंगे तो वहाँ पर बटर मिल्क ज़्यादा चलता है, खाना खाने के बाद होटल में, रेस्टोरेंट में बटर मिल्क पिया जाता है, इसीलिए बटर मिल्क का काफ़ी डिमांड है। मिल्क पाउडर का, फ्रेश मिल्क का, जैसा कि अमूल का जो अमूल ब्रांड का, अमूल गोल्ड है, अमूल शक्ति है, तो ये जो अमूल का फ्रेश मिल्क अभी अमेरिका में ज़्यादा चलने लगा है। तो आप अमूल का जैसा आपका फ्रेश मिल्क भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। डायरी प्रोडक्ट में और क्या क्या रहेगा, चीज़ रहेगा, बटर रहेगा, चीज़, बटर, श्रीखंड, देन योगर्ट, कर्ड, पाउडर मिल्क, फ्रेश पाउडर, योगर्ट एंड आपका जो बटर मिल्क, ये हो गया मिल्क का प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद चीज़ हो गया,
और छेना हो गया, छेना काफ़ी डिमांड इन द ग्लोबल मार्केट में, खोआ हो गया, और आपका जो गुलाब जामुन, श्रीखंड, रसगुल्ला, रसमलाई, काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, और मिल्क बेस जितने सारे आइसक्रीम हो गया, गुलाब जामुन हो गया, तो ये सब प्रोडक्ट को आप सोर्स करके, अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप खुद का फैक्ट्री डाल सकते हो, फैक्ट्री में बनाकर इंडिया के अंदर सेल कर सकते हो और आउट ऑफ इंडिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास बजट नहीं है, फिलहाल आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर काम करना चाहते हो, तो आप इंडिया में अलग अलग राज्य से डायरी प्रोडक्शन कंपनी से आपका खुद का ब्रांड में बनाकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इमीडिएट इम्पोर्टिंग कंट्रीज हो गया बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये जो पांच कंट्री है, इमीडिएटली आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद बड़ा मार्केट आ गया मिडिल ईस्ट कंट्री। मिडिल ईस्ट जो हो गया, जो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन एक्सपर्ट्स है, इंडियन एशियन एक्सपर्ट्स है, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपालीज, पाकिस्तानी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स है जो इंडियन प्रोडक्ट को बाय करते हैं इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। तो आपको सेकेंडरी ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री को टारगेट करना है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री में अगर जाओगे आप, यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, कुवैत में, तो आपको वहाँ का सुपरमार्केट्स में काफ़ी सारे डायरी प्रोडक्ट्स, इंडिया का डायरी प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो ये यूएई के साथ साथ छः जीसीसी कंट्री को टारगेट करिए। उसके बाद अफ्रीकन कंट्री, अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में घाना हो गया, घाना, देन आपका तंजानिया, कोंगो, केनिया, नाइजीरिया, ये जो कंट्रीज़ बता दिया, इन कंट्रीज़ और साउथ अफ्रीका, मॉरीशस, ये सब कंट्री में इंडियन डायरी प्रोडक्ट्स का काफ़ी डिमांड है। ठीक है, और एक बार नोट कर लीजिए, घाना, केनिया, तंजानिया, कोंगो, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका एंड मॉरीशस, इन्हीं देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन डायरी प्रोडक्ट्स का काफ़ी डिमांड है। तो इन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट करना है। बाकी सारे जितने सारे अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ है, हर कंट्रीज़ में आपको मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग करके इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। क्योंकि आपको बता दिया, कोंगो जैसा कंट्री में इंडियन प्रोडक्ट, डायरी प्रोडक्ट का डिमांड है कोंगो जैसा कंट्री में। और एक कंट्री आपका जो कैरिबियन आइलैंड्स कंट्री है, हाइती एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट बेचने लगा है, डायरी प्रोडक्ट, इंडिया का डायरी प्रोडक्ट्स, अमूल का डायरी प्रोडक्ट्स आपको हाइती में भी सेल होने देखा गया है। ठीक है, तो इसलिए अफ्रीका का बड़ा मार्केट है, 54 कंट्रीज है। अफ्रीका में मिल्क का जो प्रोडक्शन है काफ़ी कम है, और अफ्रीका में मिल्क का डिमांड ज़्यादा है, डायरी प्रोडक्ट्स का डिमांड ज़्यादा है। तो जो कंट्रीज़ का नाम बता दिया, वन सेकेंड में बता रहा हूँ, नाइजीरिया, घाना, कोंगो, तंजानिया, केनिया, मॉरीशस, देन आपका साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ को टारगेट करिए, और बहुत बड़ा मार्केट है इजिप्ट, बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये सब कंट्री में मार्केटिंग करके आप इजीली इंडियन डायरी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। अगर आप अमूल जैसे बड़े ब्रांड का आप लेना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हो, तो आप अमूल कंपनी से बात करके अफ्रीका या मिडिल ईस्ट या अमेरिका कहीं भी आप जाकर खुद का बिजनेस स्टार्ट करके अमूल जैसे बड़े कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन के वहाँ पर सेल कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, या आप खुद का जो ब्रांड बनाइए, खुद का ब्रांड बनाकर अमूल जैसे बड़े बड़े और छोटे मोटे जो कंपनी जो डायरी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उन कंपनी को प्रपोजल देकर आपका नाम पे, आपका कंपनी के नाम पे आप बनाकर, प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, या आप अमूल या बहुत सारे कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनका मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट का जो इंडिया में बहुत सारे मार्केटिंग कंपनी होते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं, तो आप इधर मार्केटिंग कर सकते हैं, एक्सक्लूसिवली उनका मार्केटिंग का राइट्स लेकर मार्केटिंग, ग्लोबली मार्केटिंग सेल कर सकते हो, या आप खुद का प्रोडक्शन करके सेल कर सकते हो, या खुद कोई बड़े कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर्स लेकर अलग अलग कंट्री में आप डिस्ट्रीब्यूटर्स कर सकते हो। तो ये बता दिया, रशिया को एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है डायरी प्रोडक्ट, लास्ट टाइम मैं बताया था रशिया में काफ़ी डिमांड है जो डायरी प्रोडक्ट का, फ्रेश मिल्क का डिमांड है। क्योंकि और एक मैं भूल गया, चाइना बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका जैसा, इंडिया का अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, दो बड़ा मार्केट है। अगर आप कर सकते हो तो अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना बड़ा मार्केट है, हालांकि मार्केटिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप अगर सक्सेस हो सकते हो, क्योंकि अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन डायरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, चाइना फ्रेश मिल्क इंपोर्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा डायरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना में जो प्रोडक्शन होता है वो सफिशियंट नहीं होता है चाइना के लिए, और चाइना
रशिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इन सब चीज़ को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो अगर आप रशियन मार्केट को, सेंट्रल एशियन कंट्री के मार्केट को कैप्चर कर सकते हो तो आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, पोलैंड हो गया, पोलैंड, यूक्रेन, देन स्वीडन, डेनमार्क से रशिया जाता था डेयरी प्रोडक्ट्स। अभी बंद है वार के वजह से, ये एक्सपोर्ट बंद है यूक्रेन एंड रशिया के वार के वजह से, तो अभी ये सही मौका है, आप रशिया को डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो बेटर होगा आप रशिया में खुद का कंपनी रजिस्टर करिए और डेयरी प्रोडक्ट का ब्रांड बनाइए। बनाने के बाद आप आइदर इंडिया में कोई भी डेयरी प्रोडक्शन कंपनी से आप प्रोडक्ट बनाकर इंपोर्ट करके रशिया में सेल कर सकते हो, या इंडिया में अमूल जैसे बड़े कंपनी या कोई भी डेयरी प्रोडक्शन कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर रशिया का डिस्ट्रीब्यूटर एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूटर बनके उनका पूरा प्रोडक्ट को रशिया में इंपोर्ट करके रशिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा सेल कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा है, अच्छा मौका है रशिया में सेल करने के लिए, क्योंकि कंपटीटर्स नहीं है, कंपटीशन नहीं मिलेगा। ऑल्सो सेंट्रल एशियन कंट्री बता दिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो एरियाज है यहाँ पर कंपटीशन नहीं मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट्स का। तो डेयरी प्रोडक्ट्स का जो नाम बता दिया, आप खुद का नाम पे खुद का कंपनी का ब्रांड बनाकर आप ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। कौन से कंट्री बता दिया, इन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आपका लाइसेंसिंग क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन आपका जो आईसी कोड हो गया, देन आपका अपेडा से लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, अपेडा का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस का रिक्वायरमेंट्स है। तो लाइसेंसिंग काफ़ी इजी है, लाइसेंसिंग करिए, वेबसाइट बनाइए, आपका खुद का एक ब्रांड बनाइए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बनाकर आप डायरी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते, स्टार्ट कर लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए। अलग अलग देश में जो जो देश बता दिया, जो इंपोर्टिंग कंट्रीज बता दिया, इन कंट्रीज में जाकर आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करिए, गूगल माई बिजनेस एंड गूगल में आप पेड मार्केटिंग करके इन्हीं देशों को टारगेट करोगे तो आपको इन्हीं देशों से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ऑल्सो अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप अलग अलग देश में खुद का कंपनी बनाकर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा सेल कर सकते हो, या एक्सक्लूसिवली कोई भी बड़े कंपनी, इंडिया का कोई भी डायरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर्स लेकर अलग अलग कंपनी में जाकर आपका खुद का डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी बनाकर वहीं से इंपोर्ट करके सेल कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपका बड़ा बजट है तो आप अलग अलग देश में आपका मार्केटिंग टीम भेज के वहाँ पर मार्केटिंग करके इंडिया से डायरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए। अभी इंडिया का डायरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ चुका है, 2022-23 में इंडिया 2200 करोड़ का बिजनेस कर चुका है और ये 2024-25 में ये बढ़ने वाला है, और आप ये बिजनेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इंडिया का डायरी प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होने वाला है, क्योंकि इंडिया अभी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कंट्री बन गया है। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।